फिर से इस कंपटीशन में भाग लोगे? हाँ, शम्मा के साथ भाग ले रहा हूँ। क्या मैं भी भाग ले सकता हूँ? बिल्कुल, मेरे अंकल आंटी खाने पर आने वाले हैं, तो शम्मा मेरे घर आ जाएगी। तुम भी आ जाना, तब हम हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू करेंगे। हमारा जीतने वाला प्रोजेक्ट। हाँ, अगर तुम्हें लगता है तुम ये साइंस प्रोजेक्ट जीतोगे तो इस बारे में कभी सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि जीतूंगा तो मैं। ये साल तारीख का है, समझे ना तुम? चलते बनो। अच्छा, तो चलो तुम्हें मिलाता हूँ मेरे साइंस प्रोजेक्ट के पार्टनर से, मोफिन। चलो यहाँ से चलते हैं, हमें प्लानिंग करनी है और प्रोजेक्ट पर काम भी करना है। बताओ तुम्हारा क्या आइडिया है शम्मा? मैंने एक एनर्जी बचाने वाला एरोप्लेन का मॉडल डिजाइन किया है। ये क्या? ये कैसे हो गया? क्या मेरा मतलब है, मैंने भी एक ऐसा ही डिजाइन बनाया है। ये एक एनर्जी बचाने वाला मॉडल एरोप्लेन है। तो फिर चलो हमारे आइडिया को मिलाकर सबसे बेस्ट साइंस प्रोजेक्ट बना लें। हाँ बिल्कुल। तो मैं और ये क्या करेंगे? क्या तुम प्लेन पर लगाने के लिए एक अच्छा सा लोगो डिसाइड कर सकते हो? और प्लेन के लिए तुम एक नाम सोच लेना। ओके। हाँ चलो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हम इस साल की जीतने वाली टीम का हिस्सा है। और हमारा प्लेन सच में अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट के लिए रेडी है। जानता हूँ, मेरे ख्याल से ये हाँ, तुम्हारे ख्याल से क्या? हाँ हमें भी बताओ। मैंने सही सुना ना, तुमने टेस्ट फ्लाइट कहा? कमाल है, जानकारी के लिए शुक्रिया। अरे वाह, ये तो कमाल लग रहा है। बहुत बढ़िया, क्या तुमने टेस्ट किया? नहीं, तुम्हारे लिए रुके थे। शुरू करते हैं। शम्मा रोटर शुरू करो। अब चलो स्टीयरिंग टेस्ट करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तुम ठीक हो? कुछ टूटा क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ मेरे ख्याल से बस। शुक्र है, प्लेन को कुछ नहीं हुआ है ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ, पूछने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये एक अच्छा टेस्ट फ्लाइट था, बस स्टीयरिंग में छोटी सी दिक्कत हो गई है। हाँ तुमने सही कहा, सिर्फ स्टीयरिंग में दिक्कत है। तुम्हारी टीम काम से जाने वाली थी। हम प्लेन को कल मॉडिफाई कर लेंगे, तुम पेंट लेकर आना, फिर सजाने का काम शुरू। और एक हेलमेट भी ले आऊंगा मैं। तो बताओ सालिम, क्या तुमने अभी तक प्लेन के लिए कोई नाम सोचा है? मैं उसका नाम किसी जानवर पे रखूंगा। ओह, क्या आइडिया है! क्या तुम उससे दबानी बुलाओगे? क्या? नहीं, मैं उसे किसी खतरनाक जानवर का नाम नहीं दूंगा। बिल्ली रख ले। एक बिल्ली खतरनाक नहीं होती ओबेद। पर उनके पंजे होते हैं। नहीं, मैं उसे बुलाऊंगा द तारिक। हाँ तारिक? नहीं, वो रहा तारिक और वो भी एक प्लेन उड़ा रहा है। उसका प्लेन बिल्कुल हमारे जैसा है। पर कैसे? उनके पास हमारे जैसा प्लेन है और स्टीयरिंग में दिक्कत भी वैसी है। चलो चलकर ये वीडियो मंसूर और शमा को दिखाएं। उनका प्लेन तो बिल्कुल हमारे जैसा है। उन्होंने हमारे प्लेन देखकर बनाए हैं, पर ये तो नामुमकिन है। हाँ, तारिक और मुफीद वही थे, पर उसके गुंडे कहाँ हैं? वो दोनों तो वहाँ थे ही नहीं।
हमारे पास उनके प्लेन का वीडियो है, तो उनके पास हमारा हो। पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मंसूर? यही पता लगाना है। नानो जाओ आसपास का इलाका स्कैन कर लो। ठीक है। नानो क्या तुम उस पेड़ पर जूम कर सकते हो? तारिक हमारी टेस्ट फ्लाइट पर नजर रख रहा है और फिर वही डिजाइन वो मुफीद से कॉपी करवा लेगा। हम तकरीबन तैयार हैं अगली टेस्ट के लिए, पर हम इनके यहाँ होते हुए नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करें? मुझे पता है क्या करना है। हम ऐसा दिखाएंगे कि हम जानते ही नहीं वो यहाँ है। एक बेकार सा प्लेन का डिजाइन उन्हें कॉपी करने देंगे। और हम ये कैसे करेंगे? जेली। हाँ? जेली? हाँ, जेली। ये तो खराब दिख रहा है। हाँ, और अजीब भी। शो टाइम। उबेद, सालम, तुम तैयार हो? ठीक है, तो चलो इसे चांद तक ले जाते हैं। शुरू करो। चेहरा तो बिल्कुल देखने लायक रहेगा। क्या ये इनका नया प्लेन है? यकीन नहीं होता। और क्या ये सच में जेली से चलता है? साफ दिख रहा है कि उन्होंने पावर की प्रॉब्लम को और खराब स्टेयरिंग को ठीक कर लिया है। बेहतर होगा तुम भी ठीक कर लो मुफीद, क्योंकि हमारा साइंस फेयर कल है, समझ रहे हो ना तुम? और मुझे किसी भी हाल में जीतना है। वाओ! हाँ? हाँ? देखो कितना इंटरेस्टिंग प्लेन है। इंटरेस्टिंग से इसका मतलब है बकवास। हाँ, ये प्लेन तो मेरे पेट में होना चाहिए, ना कि हवा में उड़ना चाहिए। हाँ, शायद तुम्हें पता चलेगा कि ये यहाँ के एक और प्लेन से मिलता है। क्या तुम्हारा मतलब हमारा प्लेन? मुझे नहीं लगता तुम इसकी बात कर रहे थे। हो? हो? चलो यहाँ से चलते। क्या तुम्हें अभी स्टीयरिंग और पावर में दिक्कत आ रही है क्या? अगर तुम उन्हें एक्सटेंड करोगे तो तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। हाँ, एक्सटेंड करूं? उबेद, जरा वो खाने का डब्बा लाना। हाँ, बढ़िया। तो टीम्स को अब आगे आकर अपने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने होंगे। तो बताओ तुमने क्या बनाया है? ये एक एनर्जी बचाने वाला एरोप्लेन है जो सोलार एनर्जी पर चलता है। और तुम बताओ, तुम क्या लाए हो? मैं लाया हूँ एनर्जी बचाने वाला एयरप्लेन जो कि चलता है जेली से। क्या कहा, किससे? जेली से। मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया जो तुमने कहा। अच्छा, तो चलो फिर टेस्ट फ्लाइट शुरू करते हैं। मंसूर, सबसे पहले तुम्हारी टीम जाएगी। ये! क्या बात है, शाबाश। अब तुम्हारी बारी, जेली वाला प्लेन उड़ाओ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि ये उड़े। घबराओ नहीं, ये जरूर उड़ेगा। कोई तो रोको, कोई तो रोको इसे।
ऐसा होगा तुमने सोचा था? नहीं, बिल्कुल। मैं चुपचाप उस जेली स्प्रे पर काम कर रहा था। मुझे लगता है वो काम करता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मुफीद। ठीक है दोस्तों, तो इस साल फर्स्ट प्राइज मिलता है मंसूर और उसकी टीम को। मुबारक हो। थैंक यू सर। मैं ये सब अपनी बहुत समझदार कजन शम्मा के बिना बिल्कुल नहीं कर पाता, और मेरे सबसे अच्छे दोस्त सालेम और उबेद, और हम थैंक यू कहना चाहेंगे मुफीद को।